धौलपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर एक थड़ी से मोबाइल चोरी होने पर एक युवक को शक के आधार पर खंबे से बांधकर करीब आधे घंटे तक पीटा गया। और इतना ही नहीं, युवक की खाल नोचकर उसे मानवीय यातनाएं भी दी गई। दर्द के कहराता युवक यही कहता रहा कि उसने मोबाइल चोरी नहीं किया है, और वहीं बाद में खोया हुआ मोबाइल दूसरे व्यक्ति के पास मिलने पर युवक को छोड़ दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर युवक की सरेआम पिटाई के बाद भी न पुलिस बचाने पहुंची और न ही कोई व्यक्ति उसे बचाने के लिए पहुंचा। आपको बता दें कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला धौलपुर में एक मामला सामने आया है, जहां पर शक के आधार पर एक युवक की पिटाई कर डाली। वो लगातार कहता रहा कि उसने मोबाइल चोरी नहीं किया है, पर फिर भी उसको खंबे से बांधकर पिटाई उसकी की गई, और बाद में उसके पास से मोबाइल बरामद भी नहीं हुआ और फिर जाकर उसको छोड़ा गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला धौलपुर से बता रहे हैं आपको। लेकिन उसके बाद भी युवक को ना तो कोई इंसान बचाने आया और ना ही कोई पुलिस उसको बचाने आई। एक शक के आधार पर युवक की पिटाई कर डाली और साथ ही उसको यातनाएं भी दी गई। इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला धौलपुर से सामने आया है, जहां पर युवक की पिटाई कर डाली, शक के आधार पर युवक की पिटाई कर डाली। कोई सबूत नहीं था, कोई आधार नहीं था, फिर भी एक शक के आधार पर युवक को खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर डाली, और उसके बाद ना तो कोई इंसान उसे बचाने आया और ना ही पुलिस उसे बचाने के लिए सामने आई। वो लगातार यही कहता रहा कि मेरे पास कोई फोन नहीं है, मैंने कोई फोन चोरी नहीं किया है, फिर भी उसकी लगातार पिटाई की गई, खंबे से बांधकर युवक को यातनाएं भी दी गई। चोरी किया और वहां पे बैठा था मोबाइल, किसी पर चोरी की वो लगाया या किसी पर बिला चोरी का अंजाम लगाया, बाबूजी मुझे को लोहे के खंभे से बांध के मुझे को मेरे संग मार। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता मुनेश फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी मुनेश, बताएं कि कितना शर्मसार करने वाला है मामला। जी नवीना, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन के बाहर एक थड़ी से मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को खम्भे से बंधक बनाकर उसकी करीबन आधा घंटे तक मारपीट की, और साथ ही चिमटे से युवक के खाल को भी नोच करके मानवीय उसको प्रताड़ किया गया। और दब से कराते हुए युवक यही कहता रहा कि उसने मोबाइल चोरी नहीं किया है, लेकिन वहाँ जो पीट रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी इस पर रहम नहीं खाया और लगातार युवक की पिटाई करते रहे। जी नवीना, ये बताएं कि पुलिस ने मामला दर्ज करके क्या इसके आगे की कार्यवाही कोई शुरू कर दी है? जी मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे जो RPF मौके पर पहुंच गई थी, और जानकारी के मुताबिक मनिया निवासी ये युवक राजू था, जो रेलवे स्टेशन पर आया हुआ था और रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की थड़ी से मोबाइल चोरी हो गया था। इस दौरान मोबाइल को ढूंढा गया लेकिन वह नहीं मिला, तो उसके बाद में युवक राजू को पास में एक खड़े युवक ने उसको पकड़ लिया। जी मुनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।